डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित, और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ही कॉन्सेप्ट पे, मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर डंकर्ली मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन जो है बनाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और चूंकि डंकर्लीज मेथड के ऊपर है, तो अब हम चाहेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करें उसके पहले जो लेक्चर नंबर हमारा था 82, डंकर्ली मेथड पढ़ाए थे आपको, उसको दो मिनट देख लें थोड़ा सा। डंकर्ली मेथड यही था आपका, और डंकर्ली मेथड का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा ही था कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अर्थात मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के काम आता था। अब इसमें डंकर्ली मेथड में जो है कोई भी सिस्टम हो, चाहे इस तरह का सिस्टम हो या ट्रांसवर्स वाइब्रेशन वाले सिस्टम हो, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताए थे, ठीक है। और ये बड़ा ही अच्छा सिस्टम था। सिस्टम उनका ये था कि किसी भी पॉइंट पे आपको डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स के आप इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी बीम के केस में निकाले थे, ये ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री। अच्छा, ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री का स्क्वायर कर दीजिए तो इक्विवेलेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। और ओमेगा वन क्या होता था बताइए, स्क्वायर रूट जी बाई डेल्टा। और डेल्टा क्या है, डेल्टा वन हम लिख लें। डेल्टा वन क्या है कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट वन। तो यहाँ डिफ्लेक्शन कितना है, यहाँ डिफ्लेक्शन कितना है, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे बेंडिंग इक्वेशन, या जो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का फार्मूला। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का फार्मूला भी हमने आपको बताया था कि कैसे हम लोग डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम निकालते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है हम आपको बताए थे उस क्वेश्चन में, कि डबल इंटीग्रेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन मेथड से आप डिफ्लेक्शन यहाँ पर y निकाल लिए, और y निकालने के बाद जो है आपके पास फार्मूला रहता है। क्या फार्मूला है आपके पास, सिंपल सा फार्मूला है, कौन सा, ओमेगा वन इक्वल टू स्क्वायर रूट जी बाई वाई वन। वाई वन क्या है, डिफ्लेक्शन एट दी पॉइंट वन है, और जी 9.8, ठीक है। तो इसी आधार पर हम लोग ये क्वेश्चन आज बनाएंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ें तो हम देख लें कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लोएस्ट नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम एज शोन। तो सिस्टम कहाँ दिया हुआ है, तो सिस्टम ये दिया हुआ है, लीजिए हम बना देते हैं। ये सिस्टम है आपका, ये कोई स्टिफनेस है, ठीक ना, और ये 4m मास है, इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 है, फिर एक स्प्रिंग यहीं पर है, और ये जो है आपका क्या है, मास है, ठीक ना, और ये है 2m, और ये है k, और ये x2, ठीक है, x1, x2, और फिर जो है आपका मास है, ये क्या हो गया m, और k, x3, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम है, थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना। थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट मीन्स क्या, कि आपका आपका ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। अच्छा, डंकर्ली जो मेथड्स है, डंकर्ली जो फार्मूला है, डंकर्ली फार्मूला क्या कहता है, डंकर्ली फार्मूला का सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट क्या था आपका, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है किसी का भी, पूरे होल सिस्टम का, तो इंडिविजुअल फ्रिक। अच्छा, इसका ये स्टिफनेस कितना है, इसका स्टिफनेस है के के के, और इसकी स्टिफनेस है थ्री के, ठीक है। तो ये कहता है डंकर्ली मेथड, अभी हमने आपको दिखाया भी था डंकर्ली मेथड, कि डंकर्ली मेथड कैसे यूज करते हैं। तो यही था ना डंकर्ली मेथड, कि इक्विवेलेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स कि वन अपन ये ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू वन अपन ओमेगा वन स्क्वायर प्लस वन अपन ओमेगा टू का स्क्वायर प्लस वन अपन ओमेगा थ्री का स्क्वायर। यहाँ पर तीन ही सिस्टम है, तो हम ओमेगा वन, ओमेगा टू, ओमेगा थ्री निकाल लें तो क्या हमारा काम चल जाएगा, तो बोलिएगा सर बिल्कुल चल जाएगा। तो ये कैसे अकेले अकेले इंडिविजुअल कैसे हम निकाल सकते हैं, ये तभी निकाल पाएंगे जब इंडिविजुअल हम अलग अलग कर लें। अब यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग करेंगे तो 4m को करते हैं, मान लीजिए तो ये क्या है आपका, ये स्प्रिंग मास सिस्टम,
और ये मास कितना है आपका 4m, डिस्प्लेसमेंट x1 और ये 3k। उसी तरह से दूसरा जो है आपका ये k है स्टिफनेस, और मास कितना है m 2m और ये x2 डिस्प्लेसमेंट, और ये तीसरा कितना है k और ये m और ये डिस्प्लेसमेंट x3। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन सिस्टम पूरा अलग अलग हो गया कि नहीं, सेपरेट सेपरेट हो गया। इन तीनों का जो है इंडिविजुअल हम निकाल लें क्या, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा वन क्या निकलेगा आपका, स्क्वायर रूट 3k/m, दैट मीन्स की स्क्वायर रूट k/m होता है ना, तो क्या हो जाएगा k/m के जगह पर 3k/4m। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा टू यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट k/2m, और यहाँ पर ओमेगा थ्री यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा थ्री स्क्वायर रूट k/m। फार्मूला लगाइए, 1/ωn का स्क्वायर और ओमेगा वन का स्क्वायर 3k/4m हो जाएगा, तो 1/ω1 स्क्वायर प्लस 1/ω2 स्क्वायर प्लस 1/ω3 का स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा वन का स्क्वायर क्या होगा 3k/4m, तो 4m/3k प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2m/k प्लस m/k, और ये क्या हो जाएगा 1/ωn का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 1/ωn का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ये एलसीएम क्या हो जाएगा 3k, तो ये 4m प्लस क्या हो जाएगा 6m प्लस 3m हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर ये 3 के ऊपर आ जाएगा और ये 13m हो जाएगा कि नहीं। तो ओमेगा एन इक्वल टू कितना निकल जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन है, ओमेगा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट जो है 3k/13m, दैट मीन्स ये 3/13 स्क्वायर रूट 3/13 इंटू स्क्वायर रूट k/m, ये ओमेगा एन कितना निकल कर के आ गया, स्क्वायर रूट 3/13 को सॉल्व कीजिए तो 0.47 और स्क्वायर रूट k/m। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये हम जो है उस समय भी आपको बताए थे, ठीक है ना, किस समय, जब डंकरली मेथड आपको पढ़ा रहे थे, तो डंकरली मेथड उस समय भी हम आपको बताए थे कि ये बहुत ही आसान मेथड है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन याद रहना चाहिए डंकरली मेथड में। ठीक है, तो किसी भी सिंपल सिस्टम के लिए लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो आपको डंकरली मेथड ही लगाना चाहिए, सिस्टम को आइसोलेट करके इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाल करके इसको सम कर दीजिए, ये आपका निकल करके आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, एक चीज़ तो ये आप देखें, एक तो ये वाला सिस्टम देखें, और यही सिस्टम जो है आपका इस तरह से भी हो सकता है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, ये भी सिस्टम हो सकता है। दूसरा एक सिस्टम जो है हम आपको जो बताए थे किसकी, जो है बीम की, ठीक है ना, जब इसके ऊपर भी आप लोड लगाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, तो यहाँ भी जो है आप निकालेंगे लोएस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आप यदि निकालना चाहते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा 1/ω1 स्क्वायर प्लस 1/ω2 का स्क्वायर प्लस 1/ω3 का स्क्वायर प्लस 1/ω4 का स्क्वायर। तो ये जो है आपका अलग अलग फार्मूला हो जाएगा। अब ये एक नंबर, ये दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ठीक है, और ये सब पॉइंट लोड है, इसमें डिफ्लेक्शन भी आप निकालते थे, ठीक है ना, और ये ओमेगा वन यहाँ निकालना बहुत आसान है, ओमेगा वन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट g/δ, डेल्टा मतलब क्या, इसका डिफ्लेक्शन 1, इसका डिफ्लेक्शन 2, इसका डिफ्लेक्शन 3, इसका डिफ्लेक्शन 4 निकल सकता है कि नहीं, तो ये सब अलग अलग निकल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये चूंकि
लेक्चर नंबर 82 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना क्वेश्चन। तो ये और जो है मतलब जो है आप डंकरली मेथड देखे और उसके बाद ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व किए तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी हैप्पी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।